चारुलता, एक चंचल नायिका जिसका विवाह अमीर परिवार में हो जाता है। पति है भूपति, जो लिखते हैं, खूब कमाते हैं, पर अपनी नव विवाहिता को समय नहीं दे पाते हैं। धन, आभूषण, संपदा दूसरों को दिखाने के लिए ठीक है, पर मन बहलाने के लिए नहीं। चारुलता का अकेलापन दूर होता है तब जब भूपति का फुफेरा भाई वहां रहने आता है। चंचल भाभी को मिल जाता है एक हक जमाने वाला देवर। चारुलता के भाई भाभी भी यहीं उसके साथ ससुराल में रहने लगते हैं। देवर भाभी की जोड़ी खूब जमती है। चारुलता अपने देवर अमल को लिखने को प्रेरित करती है। अमल की कृतियां जब प्रकाशित होने लगती हैं तो उसे एक नई पहचान मिलती है। लेकिन चारु इससे खुश कहां? उसे लगता है कि जो एहसास उसके और अमल के थे वो सबके बीच क्यों आ गए। अब चारुलता भी लिखने लगती है, कोरे कागजों को मन के रंगों से रंगने लगती है। चारुलता ज्यादा सफल लेखिका के रूप में पहचानी जाती है। इसी बीच चारुलता के भाई की धोखाधड़ी से भूपति का कारोबार चौपट हो जाता है। अमल का रिश्ता तय हो जाता है और वो वहां से दूर चला जाता है। चारुलता इन सब से अनजान है। यकायक इन दूरियों की व्यथा उसे सताने लगती है। इसी बीच भूपति को भान होता है उसने कभी अपनी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक इसी वक्त भूपति को नौकरी मिल जाती है और चारुलता भी बतौर लेखिका बस लिखती जाती है, लिखती जाती है। कभी नदी सी निर्मल तो कभी अग्नि सी क्रोधमान, कभी हवा सी शीतल नारी के अद्भुत रूप का रसानंद लेते हैं चारुलता में। आइए देखते हैं चारुलता। बाल्यकाल की कल्पना भय औत्सुक्य और जागृत देवी के महात्म के संबंध में उसने सहज सरल और ग्रामीण भाषा में परिपूर्ण लेख लिख डाला।